अभी इतना सच है घर में भी तो जमीन भर काम होते हैं, लेकिन ये समझ नहीं पाती बच्चों को संभालना तो सबसे बड़ा काम ये पुरुष एक साल में जब घर में लोग जाते हैं तो इनकी हालत देखो कैसी होती है। सामाजिक क्षेत्रों में महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती है। अब ये तो विषय इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम पता नहीं पक्ष में बोल रहे हैं कि पक्ष में बोल रही है ग्रुप का नहीं बोल पा रही मैडम। अच्छा ठीक है मैं ग्रुप का बोल रही हूँ। हर दिनों में सबसे रिक्वायर कार्यस्थल पर पुरुषों को अतिरिक्त कार्य भार एवं समय प्राथमिक कार्य लेना समानता की बात करते हैं तब आपने देखा ये बॉक्सेस जो है
एक जैसे रख दिए गए कि चलो इस पे खड़े हो जाओ। अब वो जो सबसे छोटा है ये मान लो वो हमारी महिला है, जो सदियों से हमारे यहाँ पे महिलाओं को शिक्षा नहीं दी जा रही है, हमारी महिलाओं को मोबिलिटी नहीं दी जा रही है, आने जाने के मौके कम है, तो वो अगर हम बराबरी से कोई चीज देते हैं तो वो शायद वो मौके वो नहीं पा पाएगी। फिर भी वो अगर देखना चाहे कि मैच क्या चल रहा है वो नहीं देख पाएगी, और अगर बराबरी से लड़के को भी वो दिया गया वो और ऊंचा हो जाएगा, वो आराम से देख सकेगा। आप समझ पा रहे हैं इस चीज को? जब हम समानता की बात करते हैं तब हम इसकी बात करते हैं, पर जब हम समता की बात करते हैं तो जो आप रिजर्वेशन की बात कर रहे थे तो दो डब्बे एक्स्ट्रा लगाए गए, ठीक है, आरक्षण किया गया। आज हम देखते हैं कि आरक्षण उसके ऊपर आप अगर महिला सरपंच को देखें, कितनी महिला सरपंच की सक्षम है कि वो स्वयं से फाइनेंशियल डिसीजंस ले पाती है, वो किसी का नहीं है। वो भी महिला सरपंच पति ही काम करते हैं। परफेक्ट, 90% आप भी मेरी बात को सपोर्ट कर लिए। उनको कोई पहचानता नहीं है बाबू, बिल्कुल। तो ये क्या कारण है? इसके बावजूद भी आप कह रहे हो ना कि आरक्षण दिया जाता है, इसके बावजूद भी वो फाइनेंशियल डिसीजंस नहीं ले सकते। लेकिन मैडम बात तो ये आती है कि ठीक है रिजर्वेशन है तो उनको पूरा वो ध्यान होना चाहिए, वो खुद डिसीजन करे, बट जो उनका पति है भले को अंगूठा छाप है, ठीक है ना, वो काम करता है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? सोच यही है समाज की कि जो सही निर्णय है वो आदमी। इसको बहुत हम इसको बहुत आसानी से मजाक की तरह ले सकते हैं, बहुत गंभीरता से अगर सोचे तो बहुत सारी चीजें सोच सकते हैं। इसका गंभीर रीजन, सबसे बड़ा रीजन क्या है? हमेशा से पुरुषों को ही इस चीज को करने की आदत है, मौके है, कई सारे मौके मिलते हैं। आपने अपनी प्रेजेंटेशन में बताया था, खासतौर पर फायदे में आपने बताया था कि बाहर के ज्यादा मौके आप लोगों को मिलते हैं, बाहर की बहुत सारी जिम्मेदारियां आपको मिलती है, फाइनेंशियल डीलिंग्स वगैरह के मौके आपको मिलते हैं। महिलाओं को आप कहते हैं वो आराम से रहती है, उनको मौके आपने कितनी बार दिए? क्या आपकी बार वाइफ को मालूम है आप कहाँ कहाँ पे इन्वेस्ट किए हैं? क्या आप बराबरी से, क्योंकि क्या होता है अभी कोविड में खासतौर पे लोगों ने ये चालू किया कि बताना चालू किया, वरना वो वीडियो को बताते ही नहीं थे, और कभी कोविड के दौरान ही निकल लिए तो उनको पता भी नहीं कहाँ इन्वेस्टमेंट करके रहते, ठीक है। तो ये भी चीजें हम लोग देख सकते हैं, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, आप जो बोल रहे हैं ना बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन क्या मैं इतनी सक्षम हूँ कि मैं फाइनेंसिस देख सकूँ? क्या मुझे इस तरह के मौके मिले जो मैं कमा रही हूँ? क्या मैं उस पर भी मेरा हक है? मैं कमाने वाली महिलाओं को भी बोलती हूँ, उसके ऊपर भी अगर कोई इन्वेस्टमेंट करती हैं, बहुत कम महिलाएं ऐसी होती हैं जो स्वयं से डिसीजन ले पाती हैं, वो पिता भी भाई या कोई ना कोई मर्द उनके जिंदगी में होगा जिसके थ्रू वो डिसीजन लेंगे, ठीक है। हालांकि सेविंग्स की जो आदत होती है महिलाओं में ज्यादा होती है, ठीक है, पैसों को सदुपयोग करने की आदत महिलाओं में ज्यादा होती है, परंतु फिर भी हम ये असमानता देखते हैं। खैर आप ये मां, लेकिन मैडम इमोशंस जो होता है वो भी क्वाइट होता है, इमोशनल ब्लैकमेल किया जाता है क्योंकि इमोशंस। अच्छा जी, आप क्या कहना चाहते हैं मेल में इमोशंस के साथ? आप लिटरेट वाली बात कर रहे थे कि माँ मुझा लगाते हैं, आदमी है उसमें लगाते हैं, लेकिन अगर वो वाइट मतलब पत्नी आई है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बनती है? या तो आप 15 साल की एज में शादी करें तो उसके पापा में चिट्ठा प्राप्त है, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बनती है? उसके ग्रैंड मदर है, मतलब एक पति की बनती है, सास ससुर की बनती है, उसको उसका पता है, उसको आगे बढ़ना है। मेरी बात है कि मेन भी हावी हो जाती है कि वो मुझे आगे बढ़ना है, मैं चाहे तो काम जाएगा बनवा लूँ, ये हमेशा का ये एक सर्कल की बात है कि हमेशा सत्ता में कौन रहना चाहता है, सत्ता कौन पकड़ के रहना चाहता है। अक्सर हम लोग ऐसा भी सुनते नहीं कि मैं तो अपने घर में कोई कंट्रोल नहीं करता, ठीक है, मेरी बीवी है पुण्यवाद के अपनी बेटी के पीछे पड़ी रहती है, ठीक है। तो जो पितृसत्ता जो होती है ना, पितृसत्ता डजंट मीन कि वो आदमी के अंदर ही है, पितृसत्ता औरतों में भी हो सकती है, वो भी कंट्रोल करती है। वो क्यों कंट्रोल करती है? ताकि ये जो हमारे पितृसत्तात्मक समाज है इसी अनुसार काम करे,
ठीक है, चाहे वो सास हो या भी पावर आएगी, इसलिए बात ही कह रही थी वो कितने सकारात्मक सोच के अनुसार उस पर काम करती है। तो आगे हम और भी चीजों पर चर्चा करेंगे, लेकिन ये मेंटालिटी है जो हमेशा आती रहेगी, चाहे वो अंकिता छाप क्यों ना हो, चाहे कैसा भी पति क्यों ना हो, वो ही सारी चीजें देखेंगे। तो जब हम आरक्षण की बात करेंगे, आरक्षण के माध्यम से एक मिनट मैडम प्लीज सुनिए, आरक्षण की जब हम बात करें, भले ही हम ये देख सकते हैं कि आरक्षण हो रहा है, उस महिला को ज्यादा प्रिविलेज मिल रहा है या आगे आ पाई है, पर डिसीजन मेकिंग फिर भी उसकी इतनी नहीं हो पा रही है, और इसीलिए वो एक्स्ट्रा दो डब्बे लगाए गए हैं। ठीक है, मोबिलिटी में आप देखते होंगे बसेस में सीट्स दी जाती है, रिजर्व की जाती है, महिलाओं को रिजर्व की जाती है, वो इसीलिए रिजर्व की जाती है क्योंकि अभी भी महिलाओं की मोबिलिटी में बहुत दिक्कतें होती है, और किसी भी महिला से पूछ लीजिए बस में कितना धक्का मुक्की होती है, कितने लोग टच करते हैं, किस किस तरह से वो ऑफिस आती है, और कई बार वो घर में बता भी नहीं, या स्कूल भी जाती है, कई बार घर में इसलिए भी बताती कि मेरा स्कूल आना बंद कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे समाज की विडंबना है, हमारा समाज इस तरह से सुरक्षित नहीं है कि कोई महिलाएं आराम से मूव कर सके। तो जो आप यहाँ पे शुरू है, तो यहाँ पे कुछ लोगों ने कहा था कि मोबिलिटी के लिए हम एक पुरुष को जाना पड़ता है ताकि वो सेफ की जा पाए, तो हमारा समाज ऐसा क्यों है कि हम सेफली नहीं जा सकते, या कोई स्ट्रॉन्ग महिला होती है तो वो फिर भी उसको कम छेड़खानी होगी, जहाँ देखा कि ये चुप रहने वाली है उसको इमिडिएटली छेड़खानी होगी। ठीक है, ये फर्क होता है जो हमें समझना होगा। तो मोबिलिटी की बात कर लें, चाहे आरक्षण की बात कर लें, हर एक उसमें पुरुष ज्यादा आगे रहते हैं, और आप कह रहे हैं कि प्रशासनिक कार्यों में भी आपको ज्यादा जिम्मेदारियां दी जाती हैं, मैं इस पे ज्यादा कमेंट नहीं करूंगी अगर आप कुछ कहना चाहें। मुख्यतः मुझे जो समझ में आता है कि अगेन मोबिलिटी के ऊपर बहुत ज्यादा फर्क होता है, अगर मैं महिला कार्यकर्ता मैं ऑफिस में रात के 9 बजे तक अगर काम करती हूँ, तो एक तो आपके ऑफिस वालों की जिम्मेदारी होगी कि मुझे सुरक्षित घर पे आप पहुंचाएं, किस तरह की व्यवस्था है अपने ऑफिसेस में नहीं, इस कारण से टाइम पे छोड़ने वाली बात की जाती है, जहाँ पे इस तरह की व्यवस्थाएं होती है वहां पे देर रात तक भी महिलाएं जाती है काम करती है। प्रेजेंट किया है उस पर अच्छी खासी बातचीत करने की जरूरत महसूस हो रही है, क्योंकि वो 10-15 मिनट की केवल बात नहीं है कि हम लोग जो पूरा माइंडसेट है वो एकदम से चेंज हो जाएगा, और गलती ना पुरुष की है ना स्त्री की है, वो पूरा का पूरा एक सामाजिक ढांचा इस तरह से कहना चाहिए, नसों में जैसे खून बह रहा है वैसी पितृसत्ता, वैसी पूरी सामाजिक संरचना हमारे अंदर उस तरह से रची बसती है। बस जो हम बहुत संक्षिप्त में कहने का प्रयास करना चाहेंगे कि जो ये बिंदु यहाँ पे लिखे हैं, कुछ देख लीजिए जितने पुरुष साथी हैं अपने यहाँ पे, भले आप कम उम्र के भी हो, जिनकी बेटियां हैं वो एक पिता बन के पूरी बातचीत को समझे, और जिनकी बेटियां नहीं है जो अभी युवा है वो समझे कि हमारी शादी होगी और हमारी जो बेटी होगी या हमारी जो पत्नी है उसके संदर्भ में आप इन चीजों को समझने की कोशिश कीजिए, कि बहुत ही संवेदनशील विषय है ये, हमारा जो समाज है ना वो स्त्री के बिना चल पाएगा ना पुरुष के बिना, खाई काटना अपना उद्देश्य नहीं है कि जो पुरुष है वो महिलाओं को ब्लेम करे या जो महिलाएं हैं वो पुरुष को ब्लेम करे। अगर एक बहुत मोटी मोटी चीज भी आप समझ लीजिए कि चलिए पुरुषों में मतलब जो भावनात्मक चीज आ रही थी कि महिलाओं में भावनाएं ज्यादा है पुरुषों में कम, एक बिंदु भी अली बिंदु आया था, तो एक चीज प्लीज फील करिए, एक सामान्य बात है, कोई हम आपको फेंकते, एक औरत को माँ बनना है, एक औरत को 9 महीने तक अपनी कोख में किसी को रखना है, मतलब अगर बिना ममता के हर पुरुष जो यहाँ बैठा होगा अपनी माँ से सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं अटैच होगा, चाहे वो बुजुर्ग क्यों ना हो, क्योंकि आपको उसी ममता से तो जोड़े रखे है वो इमोशन जो, तो वो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी सोचने के विषय हैं। हमारा आप लोगों से बस यही कहना है कि जो हम फिर से पढ़ेंगे इन सारी चीजों को, बस जो पुरुष साथी में एक पिता बन के सोच रहे हैं कि हमारी बेटी है छोटी है अगर तो वो कल के दिन बड़ी होगी, वो भी काम करने जाएगी, बाहर निकलेगी, और जिनकी बेटियां नहीं होंगी बहन हो पत्नी हो, या सोचे कि हमारी बेटी जब बड़ी होगी तो हम क्या नजरिया रखेंगे, क्योंकि
सभी पुरुष पुरुष हो, वास्तव में पुरुष के अंदर क्या क्या चलता है या वो क्या क्या हरकत किसी के साथ कर सकता है अच्छे या बुरे तौर पे, वो वास्तव में पुरुष से ज्यादा शायद स्त्रियां नहीं समझ सकती। तो इसको अगर हम पूरी बातचीत को ये लेंगे एक पुरुष और स्त्री के तौर पर, तो शायद उतना संवेदनशीलता से हम नहीं पहुंच पाएंगे। मैडम ने कितनी अच्छी बात बोली, जो कार्य करने वाली बात थी आप लोगों के ग्रुप ने रखी हुई थी, ये बात कार्य स्थल पे कितनी महिलाएं सुरक्षित हैं। देखिए खैनी तमाकू किसके दिन पर, अब हम कुछ और क्या किसी के लिए कहें, नौकरियां पुरुषों की भी चल रही जो केवल दिन भर खैनी तमाकू घिस रहे हैं और चाय पी रहे हैं और बढ़िया उनकी नौकरी चल रही, ऐसे भी पुरुष हैं। और महिलाएं चार चार घंटे में शायद छह घंटे या चार घंटे भी काम कर रही तो उन्हें किसी की पंचायत से मतलब नहीं, वो अपना काम करती क्योंकि उनको घर जाके बच्चे देखने पति देखने, आप लोग जो थके हारे आओगे जो घर का फ्रस्ट्रेशन है वो भी उन्हें खाना भी बना के रखना है, घर के काम कितने बांट लिए पुरुष नौकरी पुरुष कर रहे स्त्री कर रही। तो थोड़ा अपने घरों के संदर्भ से भी समझने की कोशिश कीजिए। और सुरक्षा वाली बात है, हम क्या अपनी बेटियों को जहाँ प्राइवेट सेक्टर में सुरक्षा की बात है तो वहाँ सचमुच मतलब जहाँ फैसिलिटी है गाड़ियाँ खुलती हैं वहाँ कर रहे हैं, नाइट शिफ्ट भी लड़कियाँ कर रही हैं बुक कर रही हैं। तो विषय वो है कि हम कितने कार्यस्थल अपने सुरक्षित बना पाए हैं। और काम काजी के लिए मनोज भैया और आप लोग के ग्रुप में ये सब लोग अगर हम ऐसा समझ रहे हैं तो ये स्त्री पुरुष की बात नहीं है। काम चोर मक्कार एक पुरुष भी हो सकता है और काम चोर मक्कार एक स्त्री भी हो सकती है। वो घर की बात हो, घर पे चार बहू हैं तो चारों में आपकी एक बहुत अच्छी होगी कर्मठ होगी, तीन नहीं हो सकती, ऐसे ही कर्मचारियों में है। और ये शासकीय हो प्राइवेट हो तो ये एक हम मैडम का सुरक्षा वाला आपका बहुत ही अच्छा पॉइंट लगा कि जो सोसाइटी लड़कों का ज्यादा बढ़ रहा है मतलब लड़कियों की तुलना में, एक किसान है या एक बिल्कुल हम माँ के पक्ष में ही बात कर रहे हैं उसमें बेटी की शादी की जिम्मेदारी है या कर्ज हो गया तो सुसाइड पुरुष ज्यादा कर रहे हैं या उनके अंदर कोई गलत आदत डेवलप होगी या कर्ज नहीं चुका पाएंगे तो वो समझ नहीं पा रहे कि हम अपना परिवार कैसे चलाएंगे। तो ये बिल्कुल मंजूर, इसमें हम आपसे सहमत है, वो जिम्मेदारियों वाली आप जो बात कह रहे हो, लेकिन हमें लगा कि हमारा बोलना भी जरूरी है क्योंकि हम व्यक्तिगत आपकी बात नहीं कह रहे, ऐसा एक माइंडसेट हो जाता है कि इस वजह से। और बाकी सारी चीजें मैडम ने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब की और ये चीज हम लोगों को स्वीकार भी करनी चाहिए कि अगर हम भारत की आधी आबादी स्त्रियां हैं, यदि हम बराबरी नहीं दे पाए, बराबर अवसर नहीं दे पाए, बराबरी से विकास नहीं कर पाए तो फिर मतलब क्या देश में हम कल्पना करेंगे कितना हम विकास कर पाएंगे। तो एक वो मैडम ने सारी चीज क्लियर कर दी है। और ये जो आपने ये यहाँ पे शायद एक चीज आई थी कि पुरुषों की सुनवाई कम होती है, महिलाओं की सुनवाई ज्यादा होती है, कानून भी शायद महिला के उसमें, फिर हम आपसे ये बात कहेंगे कि आप पिता बन के सोचिए उस चीज को, फिर से हम कहेंगे इसको सोचिएगा पिता बन के अपनी बेटी या पत्नी के संदर्भ में भी सोचिएगा कि शायद आप पुरुष हैं और बस पे धक्का नहीं धक्के देने आ रहे थे आपको, हम लोग बस पे दो पुरुष आपस में इस तरह से हैं कोई दिक्कत नहीं, आप थोड़ा सोच के देखिए कि स्त्रियां कितनी असहज हैं, यहाँ पे किसी पुरुष को खड़ा कर दिया, स्त्री हूँ हम पुरुष हूँ बस में हम धक्का दे रहे थे। अब भले किसी को लगे पुरुष के दृष्टिकोण से अरे धक्का लग ही गया, लेकिन हम लोगों को अंगों पर स्पर्श होके क्या फील हो रहा है वो केवल एक स्त्री ही उस चीज को फील कर पाएगी कि किस इंटेंशन से ये किया जा रहा है। तो कार्यस्थल पे भी चीजें हो सकती है, आवागमन के स्तर पे भी हो सकती है सब जगह। और अंतिम बात ये है कि आप पॉलिटिक्स वायलेंस पे प्लीज मत ले जाइएगा, इंदिरा गांधी जी को याद करिए जरा, उनके जैसा देश चलाने वाली वो एक स्त्री थी, उनके पिता क्योंकि शुरू से पॉलिटिक्स में सक्रिय थे, उन्हें शिक्षा इतनी अच्छी मिली, उनको पूरा ज्ञान दिया गया
तो जो मैडम ने सबसे शुरू में बात बोली थी, मुद्दा ये है अवसर का और परवरिश का। यदि एक लड़की को भी बराबर मौके और परवरिश दी जाए तो वो मतलब किसी भी तरह से मतलब देश को चला के दिखा दिया स्त्रियों ने, तो अब इससे ज्यादा तो कुछ बात नहीं है। बाकी थैंक यू।